हेलो गाइस, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो ना तो आपके मन में भी ये डर होगा कि कहीं मुझे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिल जाए, कहीं मेरा चैनल डिलीट ना हो जाए। और ये डर ही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप कुछ क्रिएटिव चीज़ करना तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए कई बार आपको किसी दूसरे की वीडियो क्लिप या किसी सॉन्ग की जरूरत पड़ती है। और आपके मन में ये डर रहता है कि अगर मैं इस वीडियो क्लिप या सॉन्ग का यूज़ करूँगा तो मुझे कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिल जाए। और आपके माइंड में जो क्रिएटिविटी है आप उसका यूज़ ही नहीं कर पाते हो, और हो सकता है कि वो क्रिएटिविटी आपके चैनल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो। देखिए गाइस, अगर आप डर डर के काम कर रहे हो ना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप कभी भी YouTube में सफल नहीं होगे। आपको हमेशा बिंदास होकर काम करना है। लेकिन 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 यहाँ मूर्खता और समझदारी में फ़र्क होता है। आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो बड़े से बड़े यूट्यूबर अपने चैनल में कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले सीखना होगा कि वो किस तरीके से उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़े बड़े यूट्यूबर अपने चैनल में बॉलीवुड सॉन्ग का यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है। और अगर आप अपने चैनल में बॉलीवुड सॉन्ग या किसी क्लिप का यूज़ करना चाहोगे तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा कि कहीं मुझे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिल जाए। और अगर आप YouTube में जाकर इससे रिलेटेड चीज़ें सर्च करोगे ना तो वहाँ पर लोग आपको इतना डराएंगे कि आप वो आइडिया ही अपने दिमाग से निकाल दोगे। आपको लगेगा कि यार इसमें बहुत तामझाम है, ये चीज़ करना ठीक नहीं है, ये इससे मेरा चैनल पे खतरा हो सकता है, मुझे स्ट्राइक मिल सकती है, मेरा चैनल डिलीट हो सकता है। YouTube में आपको कोई भी ये चीज़ नहीं बताएगा कि वो लोग किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं। भाई जब वो YouTube में कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? वो भी तो एक क्रिएटर है, आप भी एक क्रिएटर हो, वो बड़े हैं तो क्या हुआ? उससे कुछ नहीं होता गाइस। YouTube में भी कुछ नियम कानून है जिसके तहत आप अगर चाहोगे तो कुछ सेकंड के सॉन्ग या कुछ सेकंड के मूवी क्लिप या दूसरे के वीडियो क्लिप का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसे किस तरीके से यूज़ करना है ये चीज़ कोई नहीं बताता है। बस लोग आपको वहाँ पर डराएंगे कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप अगर कुछ क्रिएटिव चीज़ करना भी चाहोगे ना तो उसे ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि लोग आपको वहाँ पर इतना डरा देंगे कि आपको लगेगा यार ये चीज़ करना सही नहीं है। और वही चीज़ आपके चैनल के लिए हो सकता है आगे चल के टर्निंग पॉइंट साबित हो, वो क्रिएटिविटी आपको बूस्ट कर दे, आपके चैनल को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा दे। अगर आपको YouTube में सक्सेस होना है ना तो आपको हर उस डर उस चुनौती के लिए तैयार होना होगा जो आपके सामने आएगी। और आपके मन में जो डर है ना YouTube को लेकर, उसे अपनी ज़िंदगी से लात मार के बाहर निकाल दो, तभी आप YouTube में सक्सेस हो पाओगे। आप बिंदास होकर काम करो गाइस, बड़े से बड़े यूट्यूबर भी एक दिन छोटा ही था, आज वो सीखते सीखते उस मुकाम पे पहुँचे हैं। और पूरी ताकत के साथ मेहनत करो, आने वाले समय के बादशाह तुम होगे। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। जय हिंद।